हेलो बच्चों, तो eSaral की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवीजन सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यार जो आज का टॉपिक है ना, उसमें जो सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट कंफ्यूजन रहता है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि यार कब सब्स्टिट्यूशन होगा और कब एलिमिनेशन होगा, ठीक है, आप लोगों ने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा, हम उसका निवारण करने वाले हैं। ठीक है, कौन सा सॉल्वेंट लेना है, टेम्परेचर कंडीशंस क्या होनी चाहिए, बेस स्ट्रांग होना चाहिए कि वीक, बेस होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल, और भरपूर बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे जिसके थ्रू आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी क्लियर हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एंड तक देखना। इनफैक्ट जो लास्ट वाला एग्जाम्पल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अब हेलोएरकेन हेलोएरीन का रिवीजन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, सिर्फ एक लेक्चर और बचा है हेलोएरीन वाला, छोटा सा, उसको खत्म करके इसका रिवीजन खत्म हो जाएगा। तो यहां से आपको ऐप इंस्टॉल करनी है eSaral की, आपको उसके बाद जेई मेन का टॉपिक वाइज टेस्ट देना है। हर बार की तरह मैं फिर से बताऊंगा कि बिना टेस्ट दिए एक्चुअल जजमेंट नहीं हो पाएगा। अभी आपके एग्जाम्स दूर हैं तो आप आराम से टेस्ट दे सकते हो, एक बार फील ले सकते हो कि भैया हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं, तो वो काम करना। और अगर किसी ने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करी है तो हमारी eSaral के अंदर स्टडी मटेरियल होता है, उसमें आप जाएंगे तो आपको टॉपिक की शीट मिलेगी, वहां से भी आप सवाल कर सकते हो। मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 1 और 2, ठीक है, सिमिलरली नीट में भी सेम है। और अगर एडवांस की भी साथ साथ में करना चाहते हो तो 1A और 2A भी आपको थोड़े थोड़े सवाल कर लेने चाहिए हैं। यार हम देखो रैंक लाने के लिए पढ़ रहे हैं, अपनी परसेंटाइल को या अपनी रैंक को इंप्रूव करने के लिए पढ़ रहे हैं, तो सवाल तो आपको करने ही पड़ेंगे चाहे कितना भी मन नहीं करता हो। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, बहुत क्विकली बता देता हूँ eSaral को किसने बनाया है। सब हमारे पीछे हैं, ठीक है, एनके गुप्ता सर, 3 लाख से ज्यादा बच्चों का एक्सपीरियंस, हजारों बच्चे IITians एंड डॉक्टर्स, ठीक है, एलन करियर इंस्टीट्यूट में वाइस प्रेसिडेंट की तरह से एंड एकेडमिक हेड की तरह से उन्होंने पूरा अपना जो है करियर को आगे बढ़ाया। पिछले 30 साल में जो कोटा का एकदम उत्थान हुआ है ना, जब कोटा को कोई नहीं जानता था वर्सेस अभी कोटा इतना फेमस है, बहुत सारे कारणों से फेमस है, उसमें से एक ये है कि यहाँ की जो पेडागॉजी और इकोसिस्टम है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो वो जो है ना एनके सर के DNA में बसा हुआ है, उन्होंने इसको एक तरह से मानोगे आप तो एक्चुअली में इसको डेवलप किया है। सारांश सर ऑल इंडिया रैंक 41, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 71 जेई मेंस में, 41 एडवांस्ड में, ऑल इंडिया रैंक 4 NSO में, बहुत क्वालिफाइड हैं। इससे ज्यादा क्वालिफाइड फिजिक्स की फैकल्टी पूरे इंडिया में आज नहीं है, हाईएस्ट रैंक्ड फिजिक्स फैकल्टी इन इंडिया। तो यार ऐसे इंसान से पूरी रिविजन सीरीज है यूट्यूब पे, हमेशा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उनका लिंक खोल के तो देखो। बंदा गूगल की जॉब छोड़ के, आपको पढ़ाने के पैशन से सब कुछ छोड़ के पढ़ा रहे हैं वो कब से, मेरे बड़े भाई भी हैं, बहुत प्राउड आई फील है ना, एनके गुप्ता सर मेरे पापा हैं, और ज़्यादा प्राइड की फीलिंग, ठीक है। मैं खुद IIT बॉम्बे से हूँ, मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस में मैंने जो है B.Tech किया हुआ है, तो वहाँ पे जाके जो केमिस्ट्री की फील आई ना, जो दिखा कि केमिस्ट्री क्या मचाऊ सब्जेक्ट है, उस फील को आपके अंदर डेवलप करना, केमिस्ट्री का प्यार आपके अंदर डेवलप करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। और आप जो बच्चे रेगुलरली रिविजन सीरीज देखते हैं, ऐप यूज करते हैं, उनसे पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि हाँ सर ऐसा हुआ है। इसके अलावा जो हिस्ट्री बनी हुई है कि यार अर्पित माहेश्वरी सर ऑल इंडिया रैंक 2 IIT JEE, ऑल इंडिया रैंक 7 JEE मेन्स, इंडियन फिजिक्स ओलंपियाड गोल्ड मेडलिस्ट, इस तरह के लोग आपको eSaral के प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं जो कहीं पे और नहीं है, चाहे कोई ऑफलाइन हो या फिर कोई ऑनलाइन अकेडमी हो, कहीं पे भी नहीं है। तो ऐसे लोगों से पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो अभी जाओ ऐप इंस्टॉल करो, यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लो, एंड वीडियो को शेयर कर देना। तो देखो चालू करते हैं, चलिए। लाइफ इज अ रेस, अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुमको कुचलकर आगे निकल जाएगा। एंड दिस इज अ नॉर्मल पेन, इसकी डिस्कवरी उतनी ही इंपॉर्टेंट थी जितनी वायरस के एस्ट्रोनॉट पेन की। ये सब मैं क्या बोल रहा हूं भाई, जो केमिकल रिएक्शन होता है वो तो डेफिनेटली रेस होता है, लाइफ का पता नहीं, आई डोंट थिंक सो कि लाइफ रेस होती है, पर केमिकल रिएक्शन एक रेस होता है, और जो रिएक्टेंट फास्टेस्ट भागेगा, जो सब्सट्रेट सबसे तेज भागेगा, जो फास्टेस्ट रनर होगा, उसको मौका मिलेगा प्रोडक्ट बनाने का। और अगर हम एक कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें तो
वो सबसे आसान रास्ता चुनते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो एक केमिकल रिएक्शन को आप एकदम एक्यूरेटली जो है इमेजिन कर सकते हो एक रेस की तरह से, कि यूसेन बोल्ट जो है वो सबसे तेज भागता है तो वो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, वो सबसे ज्यादा जीतेगा। सो केमिकल रिएक्शन इज अ रेस, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। और अब वो रेस कौन जीतेगा ये इस पर डिपेंड करता है, बहुत सारे अगर कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो वो सब मिलजुल के जो उनके लिए सबसे आसान रास्ता होता है वो चुनते हैं। हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि रेस कौन जीतेगा ये इस पर डिपेंड करता है कि भाई सबस्ट्रेट कैसा है, फिर अटैकिंग स्पीशीज कैसी है, फिर स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट कैसी है, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, टेम्परेचर, सॉल्वेंट, ओरिएंटेशन, ये सारे फैक्टर्स हमने देखे थे कि इस रेस में कौन सबसे तेज भागेगा, वो किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, इन इन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं आपको अब एग्जांपल देना शुरू करूंगा कि कैसे ये पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। सबस्ट्रेट 1 डिग्री होगा तो SN2 फेवर हो जाता है, 3 डिग्री होगा तो SN1 फेवर हो जाता है। तो मतलब सबस्ट्रेट पे बहुत फर्क पड़ रहा है। हम यहां पे अभी देख रहे हैं कि SN1 वर्सेस SN2, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस क्या एलिमिनेशन, क्या पैरामीटर्स हैं इन सबको डिसाइड करने के। तो सबस्ट्रेट कैसा है इस पे कितना कुछ डिपेंड करता है। अब बात सुन में आ रही है कि पूरी जिंदगी उस उन सबस्ट्रेट्स की, उस रिएक्शन की, इस पे डिपेंड करती है कि आपने जो स्पीशीज हैं, जो सराउंडिंग्स हैं, जो एनवायरमेंट है वो कैसा बनाया है। अटैकिंग स्पीशीज अगर वीक न्यूक्लियोफाइल होता है तो SN1 फेवर हो जाता है, अगर स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होता है तो फिर SN2 हो जाता है, अगर आपने टेम्परेचर ले रखा है या अल्कोहलिक क्यूएच ले रखा है तो एलिमिनेशन भी फेवर हो जाता है। तो इस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से SN1 में डिसाइड होता है कि रिएक्शन कितना जल्दी होगा, कितनी रेट से होगा। और अगर हम SN2 की बात करें तो वो जो एक पर्टिकुलर सिंगल जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी जहां पे कि न्यूक्लियोफाइल तो जुड़ रहा था और लीविंग ग्रुप जा रहा था, तो उस पे डिपेंड करता है कि कितनी रेट से रिएक्शन होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी, भाई सेटजेफ प्रोडक्ट बनेगा, हॉफमान प्रोडक्ट बनेगा, ये डिसाइड करता है कि जो E2 के बाद प्रोडक्ट बनने वाला है वो कौन सा बनेगा, ठीक है। और आपको एक बात और बता दूं, अटैकिंग स्पीशीज में वीक और स्ट्रांग तो काम करता ही है, इसके अलावा ये भी काम करता है कि वो स्टेरिकली अनहिंडर्ड है कि बल्कि है, बल्कि होता है तो हमने देखा था एलिमिनेशन में हॉफमान प्रोडक्ट भी बन जाता है जो कि कम स्टेबल होता है, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ये भी हमने देख ही लिया अभी, ठीक है ना। टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर हुआ और स्ट्रांग अगर बेस आ गया तो एलिमिनेशन फेवर हो जाता है, अगर नॉर्मल टेम्परेचर हुआ तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन फेवर हो जाता है। देख रहे हो आप, हमने सारे, मैंने आपसे बोला था कि सारे पैरामीटर आपको काम आएंगे डिसाइड करने में, ठीक है। सॉल्वेंट अगर पोलर प्रोटिक हो गया तो ये SN1 की फेवरेबल कंडीशन है, ठीक है, यहां पे SN1 की फेवरेबल कंडीशन है। अगर पोलर एप्रोटिक हो गया, तो SN2 की फेवरेबल कंडीशन है। तो सॉल्वेंट पे भी इतना कुछ डिपेंड कर रहा है, और ओरिएंटेशन पे तो हम कोलिजन थ्योरी से ही देखते आ रहे हैं कि कितना डिपेंड कर रहा है। और ये जो ओरिएंटेशन है यहां पे, ये स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह के रूप में बहुत बड़ा रूप अख्तियार कर लेता है, जैसा हमने बल्की बेसिस के केस में देखा कि हॉफमान प्रोडक्ट मेजर बन जाता है। तो ये होता है डिसीजन, ये पूरे रेस के पैरामीटर्स हैं, ये सारे हर्डल्स हैं, जो इन हर्डल्स को सबसे जल्दी पार करेगा वो प्रोडक्ट बनाएगा। बात समझ में आई। तो हम अब क्या करने वाले हैं, हम ये देखेंगे कि कब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फेवर्ड है, और उसमें भी कब SN1, कब SN2, और कब एलिमिनेशन फेवर्ड है, मतलब SN1 वर्सेस E1 कब E1 होगा, कब SN1 होगा, और SN2 वर्सेस E2 कब E2 होगा, कब SN2 होगा। और हम ये ही सारे जो पैरामीटर्स हैं इनको वैरी करके इस रेस का एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। चलो, सो जो रिएजेंट्स हैं वो हम बहुत सिमिलर यूज कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के लिए, हेलोजन एल्कीन सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक है, ये हम जनरली यूज कर रहे हैं। SN1 वगैरह के लिए पानी भी यूज कर लेते हैं, पर आप देखो कि ये जो हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है ये कितना फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है। एल्कोहलिक KOH, मतलब KOH इन एल्कोहल, तो फिर पूरी दुनिया बदल जाती है, वो ये हम पानी में डालेंगे तो पूरी दुनिया बदल जाती है। पर जो रिएजेंट्स हैं वो कितने सिमिलर हैं, एल्कोहल भी पोलर प्रोटिक होता है, पानी भी पोलर प्रोटिक होता है,
तो बात समझ में आ रही है, तो हम वही देखने वाले हैं। तो करते हैं, चलो ये हम बनाएंगे टेबल, है ना। अब इस टेबल में हमारे सारे आंसर छुपे हुए हैं, एक टेबल और इसके 100 जो हैं इसकी एप्लीकेशंस। हमने 1 डिग्री हैलाइड दिया है, हमको ये मार्क करना है कौन सा रिएक्शन ज्यादा होगा। अच्छा, आपको एक बात और बता दूं कि हर टेम्परेचर पे आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ SN2 ही हो रहा होगा, नहीं, थोड़ी बहुत मात्रा तो SN1 की भी हो रही होती है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि सर आप एक ही तरह का रिएक्शन करवा सको, हम हमेशा उसकी बात करते हैं जो ज्यादा हो रहा होता है। यहां पे भी हम उसी की बात करेंगे कि मेजर जो पाथ फॉलो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, किसका वाला हो रहा है, ठीक है। सो 1 डिग्री हैलाइड, अब यहां पे क्या होगा, एल्कोहलिक क्यूएच जो है वो हमेशा एलिमिनेशन को फेवर करता है। किसको फेवर करता है, एलिमिनेशन को फेवर करता है। और अगर आप यहां पे हीट भी कर दो तो सोने पे सुहागा, तो एलिमिनेशन फेवर होगा तीनों ही केसेस में, चाहे 1 डिग्री हैलाइड हो, चाहे 2 डिग्री हैलाइड हो, चाहे 3 डिग्री हैलाइड हो। अब मजा आएगा एक्वस केवेच में, 1 डिग्री हैलाइड होगा तो कोई स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह का कोई झमेला नहीं है, तो यहां पे SN2 फेवर होगा, ठीक है। 2 डिग्री हैलाइड होगा तो यहां पे SN2 और E दोनों ऑलमोस्ट बराबर होंगे, ठीक है। हो सकता है कि SN2 की मात्रा थोड़ी ज्यादा हो, पर एलिमिनेशन भी इतना पीछे नहीं रहेगा। और मैकेनिज्म यहां पे कौन सा लगेगा, यहां पे होगा E2, ठीक है, मेजरली E2 से जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, OH- आपने लिया है, एल्कोहलिक क्यूएच से कम बेसिक है पर फिर भी बेसिक तो है। अब अगर 3 डिग्री हैलाइड है तो फिर तो या तो SN1 होगा या E1 होगा। क्यों, क्योंकि बहुत स्टेरिक एंट्रेंस आ गई है, तो ना SN2 हो सकता है, ना बैक साइड अटैक होगा, और ना E2 हो सकता है, ना वैसी ट्रांजिशन स्टेट बन सकती, तो यहां पे जो होगा क्या होगा, E1 ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है तो एलिमिनेशन कराने की टेंडेंसी ज्यादा है, ठीक है। अब लेते हैं अपन H2O, 1 डिग्री हैलाइड, वीक न्यूक्लियोफाइल है, SN2 नहीं कर पाएगा तो कुछ नहीं होगा। ये कौन है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। एल्कोहलिक क्यूएच कौन था, स्ट्रॉन्ग बेस था। और एक्वस क्यूएच क्या है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है और स्ट्रॉन्ग जो है बेस भी है, तो ये सारी बातें हुई। फिर 2 डिग्री हैलाइड, तो यहां पे किससे आंसर जाएगा, यहां पे आसन जाएगा आंसर, वीक न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 तो करा नहीं पाएगा, तो SN1 की मात्रा ज्यादा यहां पे होगी, ठीक है। 3 डिग्री हैलाइड है तो मात्रा SN1 की दोबारा से ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि आपको स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए एलिमिनेशन कराने के लिए। वीक न्यूक्लियोफाइल, आप पानी जैसे वीक न्यूक्लियोफाइल को लाओगे तो वो H का एब्स्ट्रैक्शन नहीं कर पाएगा, तो वो तो SN1 को प्रेफर करेगा, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस हुई, इन सारी कंडीशंस को देखते हुए आपको प्रोडक्ट बनाना होता है। तो चलो आप कुछ एक क्वेश्चन करते हैं, उससे हमको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो चलो, तो पहला सवाल ये रहा हमारी स्क्रीन पर, ठीक है। इसमें हमने क्या लिया है, इसमें हमने दो रिएजेंट लिए हैं, एक तो CH3OH और एक CH3OH हीट, तो हमारे सामने रिएक्शन का पाथ लिखा हुआ है। जब हम CH3OH लेंगे तो ये क्या है, एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, पानी के जैसा है, और यहां पे जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट क्या है, 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री सबस्ट्रेट पे वीक न्यूक्लियोफाइल तो होगा SN1। पर अब हमने अगली कंडीशन में यहां पे ये मेजर चीज चेंज की है, टेम्परेचर का यहां पे रोल आ गया है। तो जब हम हायर टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पे एलिमिनेशन फेवर्ड होता है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा E1। बात समझ में आई, डिफरेंशिएट हुआ। अगर आपको वीक न्यूक्लियोफाइल दे रखा है 3 डिग्री सबस्ट्रेट पे तो आप करवाओ SN1, पर अगर आपको वीक न्यूक्लियोफाइल दे रखा है और हीट दे रखी है 3 डिग्री सबस्ट्रेट पे तो आप क्या करवाओगे, आप करवाओगे E1, ठीक है। अगला आपको दिया है, ये दो आपको तरीके दिए हैं, 1 डिग्री हैलाइड पे आप DMF KOH के साथ करवा रहे हो, ये पोलर एप्रोटिक होता है DMF, और आप एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवा रहे हो। तो अब आपको ये बताना है कि यहां पे क्या होगा, पहली तो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में आइडेंटिफाई करो, फिर उसमें आइडेंटिफाई करो कि E1 होगा कि E2 होगा या SN1 होगा या SN2 होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करो। We'll be right back.
हाँ तो भाई डीएमएफ क्या है? पोलर ईप्रोटिक. केओएच क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. सारी कंडीशंस किसको फेवर कर रही है? SN2 को फेवर कर रही है. तो यहां पे क्या होगा? SN2 हो जाएगा, OH माइनस आएगा, बैक साइड अटैक करेगा और ये प्रोडक्ट बनेगा. एल्कोहोलिक KOH मतलब एलिमिनेशन फेवर होगा. अब यहां पे E1 नहीं होगा, Cl अपने आप से बाहर भाग के नहीं जाएगा क्योंकि 1 डिग्री सबस्ट्रेट है तो कार्बोकोटाइन स्टेबल नहीं बनेगा. तो जो यहां पे मैकेनिज्म होगा वो होगा E2 और आपका आंसर आएगा ये CH3 डबल बॉन्ड CH. CH3 नहीं होगा, ये होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, ये आपका आंसर आया. तो 1 डिग्री हैलाइड मतलब 1 डिग्री सबस्ट्रेट, उस पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो SN2, स्ट्रॉन्ग बेस तो E2. ठीक है, आगे चलते हैं. अब ये सवाल है, ठीक है, यहां पे आपको एक्वस KOH हीट और H2O ये दोनों दिए हैं. अब आपसे पूछा जा रहा है कि यहां पे क्या होगा, तो चलो इसका भी जवाब दे दो. तो 3 डिग्री हैलाइड पे आपने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हीट लिया है. देखो यहां पे ये इसकी न्यूक्लियोफिलिक जो पावर है वो काम की नहीं आएगी. काम की क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये एक 3 डिग्री सबस्ट्रेट है. 3 डिग्री सबस्ट्रेट पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाए बैक साइड के अटैक से, वो थोड़ी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है, तो उसको हम कंसिडरेशन में नहीं लेंगे. यहां पे ये एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह से काम कर रहा है क्योंकि हमने हीट दिया है. तो किसको फेवर कर रहे हैं हम? एलिमिनेशन को फेवर कर रहे हैं. होगा क्या कि पहले सीएल खुद से भाग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा कार्बन पे, कार्बोकेटायन बनेगा. ठीक है, यहां पे रीअरेंजमेंट हो सकता था पर अभी तो ये वैसे ही बहुत स्टेबल बन रहा है तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा. फिर क्या होगा? यहां से एक एच का एब्स्ट्रैक्शन होगा, एक एच का एब्स्ट्रैक्शन होगा तो कार्बन पाएगा यहां पे माइनस, नीचे है प्लस, तो क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये अल्फा ये बीटा, तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन. ठीक है, 3 डिग्री हैलाइड पे तो E1 के रास्ते ये आपका प्रोडक्ट बनेगा. ठीक है, बहुत ही बढ़िया. अब अगला SN2 यहां पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि 3 डिग्री सबस्ट्रेट है, सो एलिमिनेशन विल टेक प्लेस, एक स्ट्रॉन्ग बेस या फिर न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल है. यहां पे क्या होगा? SN1 का पाथ होगा. क्यों? क्योंकि यहां पे एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए कोई नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए था वो नहीं है, तो यहां पे एलिमिनेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वाटर क्या है? एक वीक बेस या न्यूक्लियोफाइल है, हेंस SN1 इज फेवर्ड. सिंपल एकदम, अपने दिमाग में फंडे बिठा लो. ठीक है भैया, अब ये सवाल है, यहां पे आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री का भी ध्यान रखना है. तीनों केस में कुछ ना कुछ यहां पे स्टीरियोकेमिस्ट्री का रोल आएगा. ये क्वेश्चन हमने लिया इसलिए, ये तीनों आप पहले कर चुके हो, ये भी मैं बता दूं, सेम क्वेश्चन आप पहले कर चुके हो कहीं ना कहीं, तो आपको यहां पर रिवीजन हो रहा है पर सही सही बनाना. ठीक है, चल हां तो भाई एक्वस KOH सबस्ट्रेट क्या है? 2 डिग्री हैलाइड. 2 डिग्री पे तो फिर SN2 फेवर होगा. क्यों? क्योंकि हमने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया है. एक्वस है पर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है. अगर मैं यहां पर DMSO KOH कर देता तो और ज्यादा SN2 हो जाता, तब तो SN2 और ज्यादा फेवर हो जाता, पर अभी भी जो मेजर पाथ जो लिया जाएगा, जो मेजर मैकेनिज्म फॉलो किया जाएगा वो SN2 ही फॉलो किया जाएगा. ठीक है, तो SN2 का मतलब कंप्लीट इन्वर्जन, यहां पे कंप्लीट इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट बनेगा. तो प्रोडक्ट हमारा बनेगा इधर तो OH, इधर H, इधर ME, इधर ET. बात समझ में आई? कंप्लीट इन्वर्जन. यहां पे अब लिया है H2O तो मतलब वीक न्यूक्लियोफाइल, मतलब क्या होगा? SN1 होगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्लस माइनस दोनों बनेंगे. ठीक है, इसको नीचे लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड तरीका वही होता है, प्लस माइनस दोनों बनेंगे. मतलब यहां पे रिटेंशन भी होगा और इन्वर्जन भी होगा. तो जो सीएल है वो इधर भी, मतलब OH जुड़ेगा, अभी तो जो OH है वो इधर भी आके जुड़ सकता है और जो OH है वो इधर भी आके जुड़ जाएगा. बाकी ग्रुप तो वो है ही सही. ठीक है, सो दिस इज H ME ET ME ET. ठीक है, अब थर्ड वाला केस, ये भी हमने देखा है भाई. होगा क्या यहां पे?
यहां पे सिचुएशन कुछ ऐसी चल रही है, यहां पे सीएल लगा हुआ है, ठीक है, तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा वन है, ये बीटा टू है। अब रिएक्शन कहां से होगा ये इस पर डिपेंड करेगा कि एल्कीन कहां पे मेजर बन रही है। सेटजेफ रूल यहां पे लगेगा, क्यों? क्योंकि यहां पे जो बेस है वो बल्कि नहीं है। जब बल्कि बेस होता है तब आप हॉफमान प्रोडक्ट बनाते हो, यहां पे तो नॉर्मल बेस है बल्कि नहीं है, तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, इसलिए बीटा वन से रिएक्शन नहीं होगा, बीटा टू से रिएक्शन होगा और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा एल्कीन वो ऐसा बनेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, दो प्रोडक्ट आए, सिस एंड ट्रांस। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ऐसा, क्यों? क्योंकि ये मैकेनिज्म है E2 और यहां पे एंटी एलिमिनेशन होता है। एंटी एलिमिनेशन होता है मतलब सिर्फ ट्रांस एल्कीन ही बनेगी। क्या बनेगी? सिर्फ और सिर्फ ट्रांस एल्कीन ही बनेगी, क्योंकि E2 में एंटी एलिमिनेशन होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा जो ट्रांस प्रोडक्ट होगा। बात समझ में आई? तो ये इतना बढ़िया क्वेश्चन है, पूरी स्टीरियोकेमिस्ट्री E1 E2 SN2 SN1 से रिलेटेड हमारी इस एक क्वेश्चन में हो गई है ना। ऐसा ही एक अगला क्वेश्चन करते हैं हम, ये पूरा रिवीजन का क्वेश्चन है। चारों में आप प्रोडक्ट बनाओ, चारों मैकेनिज्म यहां पे आपको पहली बार साथ में देखने को मिलेगी। अब कहां पे कौन सी होगी आपको सिर्फ ये आंसर देना है, चाहे प्रोडक्ट मत बनाना, बस आप तो ये बता दो कि मैकेनिज्म कौन सा होगा, ठीक है। हाँ तो भाई, एल्कोहलिक क्यूएच हीट मतलब E2 एलिमिनेशन फेवर्ड, NaCN DMSO पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो SN2, पानी तो SN1 और वीक बेस पे हीट तो E1। बात समझ आई?